नाज़रीन आदाब, 28 अगस्त 2023 मुताबिक 10 सफ़र के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाज फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की नौजवान सलाहियतों और डिजिटल इनकलाब का हवाला देते हुए आलमी कारोबारी बरदरी से कहा कि हिंदुस्तान के साथ आपकी दोस्ती जितनी गहरी होगी दोनों की खुशहाली उतनी ही ज्यादा होगी। 3 रोज़ा B20 चोटी कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि कारोबार इम्कानात को खुशहाली, रुकावटों को मौके में, ख्वाहिशात को कामयाबियों में बदल सकते हैं। चाहे वो छोटे हो या बड़े, आलमी हो या मकामी, कारोबार सबके लिए तरक्की को यकीनी बना सकते हैं। लिहाजा आलमी तरक्की का मुस्तकबिल तिजारत के मुस्तकबिल पर मुनहसर है। कांग्रेस के तर्जुमान आलोक शर्मा ने इतवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA के इजलास में शरीक 38 जमातों में से 4 से 5 इंडिया इत्तेहाद के साथ राबते में है और उनमें से कुछ इसमें शामिल होंगे। शर्मा ने यह भी कहा कि 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली इंडिया ग्रुप की आइंदा मीटिंग में कई अहम फैसले किए जाएंगे। वहीं बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इतवार को कहा कि मुंबई में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की आइंदा मीटिंग के दौरान कुछ और सियासी पार्टियों के इसमें शामिल होने का इम्कान है। नीतीश जो BJP मुखालिफ पार्टियों को इकट्ठा करने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया में शामिल होने वाली मुमकिन पार्टियों के नाम जाहिर नहीं किए। हरियाणा हुकूमत ने सर्वजाति हिंदू महापंचायत की तरफ से ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा 28 अगस्त को दोबारा निकालने की कॉल के पेश नज़र नू में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। खासतौर पर नू के उन इलाकों में खसूसी चौकसी बरती जा रही है जहां पिछली बार यात्रा के दौरान जबरदस्त तशद्दुद हुआ था। हुकूमत ने खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों की बुनियाद पर अमन अमान, अमन और हम आहंगी को हर कीमत पर बरकरार रखने के लिए यात्रा की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। तहम हिंदू तंजीमों ने कहा है कि मकामी तंजीमों को यात्रा निकालने के बारे में पहले ही आगाह कर दिया जाएगा और यात्रा की नौइयत और तादाद पर भी बातचीत की जा सकती है। हिंदू तंजीमों का ये भी कहना है कि यात्रा में सिर्फ मकामी लोग ही शिरकत करेंगे और कोई बाहर का शख्स इसमें शिरकत नहीं करेगा। ऐसे में रियासती हुकूमत के लिए अब कशमकश की सूरत हाल पैदा हो गई है। वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने भी हिंदू तंजीमों से यात्रा ना निकालने की अपील की है। हरियाणा के नू में कशीदगी के दरमियान हिंदू तंजीमों की तरफ से किसी भी हालत में दोबारा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद किसान तंजीमों ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया। किसानों ने कहा कि अगर नू में दोबारा ब्रिज मंडल यात्रा का इनेकाद किया गया तो वो भी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। एक खबर के मुताबिक होमवर्क न करने पर मुस्लिम बच्चे की क्लास के दूसरे तलबा से पिटाई करने के मामले में महकमा तालीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल नेहा पब्लिक स्कूल से जवाब तलब किया है और तहकीकात मुकम्मल होने तक स्कूल को बंद रखने की हिदायत जारी की है। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूरपुर के स्कूल में तालिब इल्म की पिटाई की वीडियो वायरल होने के बाद महकमा तालीम की जानिब से स्कूल का रजिस्ट्रेशन मंसूख करने का अमल शुरू कर दिया गया है। महकमा तालीम ने स्कूल के मेयार के हवाले से कई निकात पर जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ ही तहकीकात मुकम्मल होने तक स्कूल बंद करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत हुकूमत ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम करके अवाम को महंगाई से बड़ी राहत दी है। राजस्थान ऐसा करने वाली मुल्क की वाहिद रियासत बन गई है। 500 रुपए की LPG स्कीम सिर्फ उन खानदानों के लिए है जो राजस्थान में BPL जुमरे में है या मरकज की उज्ज्वला स्कीम के तहत LPG गैस सिलेंडर खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब बेसहारा मवेशी भटकते नजर नहीं आएंगे। योगी हुकूमत ने उनकी हिफाजत और देखभाल के लिए सख्त कदम उठाए हैं। योगी हुकूमत ने रियासत के तमाम जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी है कि वो बेसहारा मवेशियों को पहले से चलाए जाने वाले गाय के तहफ़ुज़ के मराकज में ले जाएं, उनके लिए सब चारे का इंतजाम यकीनी बनाएं और वक्तन फवक्तन सेहत की तरबियत दें। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी रिहायशगाह पर जनता दर्शन प्रोग्राम में अवाम उन्नास से मुलाकात कर उनके मसाइल को हल किया, उनके मसाइल को सुना। जनता दर्शन में रियासत के मुख्तलिफ अजला से तकरीबन 100 से ज्यादा फरियादियों की मौजूदगी रही। वजीर आला ने कहा कि अवाम मसाइल का तस्फिया हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला ने कहा कि अवामी मसाइल का तस्फिया हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
यूपी कांग्रेस ने मुख्तलिफ फोरम्स पर पार्टी की नुमाइंदगी के लिए तर्जुमानों और मीडिया पैनलिस्ट की फहरिस्त जारी की है। इसमें नए चेहरों को जगह दी गई है। रियासती कांग्रेसी सदर अजय राय ने पार्टी के तर्जुमानों की टीम में तब्दीलियां की हैं। उन्होंने इतवार को 15 तर्जुमानों और 17 मीडिया पैनलिस्ट की फहरिस्त जारी की है। इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली चेयरमैन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ने अपने एक बयान में मुजफ्फरनगर के स्कूल में एक तालिब इल्म की पिटाई के वाकये पर गहरे गम गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने ऐसे इंसानियत सोज सानहे की जिम्मेदार टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मौलाना फिरंगी महली ने कहा कि तालीम गाहें तलबा के लिए मेहरबान और शफीक वालदैन की तरह होती हैं। उनमें मजहब जात बिरादरी रंग नस्ल इलाक और दीगर किसी भी नाम व बुनियाद पर तलबा के दरमियान तासुब व नफरत पैदा करना बिलाशुबा बहुत बड़ा जुर्म है। यूपी के मऊ जिला की घोसी असेंबली सीट पर 5 सितंबर को होने वाले जिमनी इंतखाब के लिए बीजेपी ने इतवार को एक रैली का एहतमाम किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घोसी तहसील के इलाके में बीजेपी उम्मीदवार के हक में मुनक्कदा जलसे आम में नारे लगवाए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सख्त नुक्ताचीनी की। जलसे आम के बाहर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी ही हाल है और बीजेपी ही मुस्तकबिल है। घोसी जिमनी इंतखाब में दारा सिंह चौहान की जीत यकीनी है। मुख्तलिफ मिल्ली और समाजी तंजीम की जानिब से गांधी भवन में मुनक्कदा अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए मौलाना अजहर अली इमाम मेहदी सलफी ने कहा कि नफरत का जवाब मोहब्बत के पैगाम से ही दिया जा सकता है। इसी मोहब्बत के पैगाम को समाज के हर तबके में फैलाने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जुल्म के खिलाफ असल ताकत हमारा इत्तेहाद, हमारा अज़्म और हमारा हौसला है। नफरत के खिलाफ जारी इस मुहिम को मजीद तकवीत तभी मिल सकती है जब मोहब्बत के सभी अलमबरदार मुत्तहिद होकर एक आवाज के साथ नफरत के खात्मे के लिए खड़े हो जाएं। अवधनामा में शायद जहनुमा खबरों के मुताबिक न्यूयॉर्क में सलामती काउंसिल के इजलास में जेर बहस अक्वामे मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान और अलकायदा से वाबस्ता दीगर गिरोह दाइश को नेटो हथियार फराहम कर रहे हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अक्वामे मुत्तहिदा के इंसदाद दहशतगर्दी के ओहदेदारों ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि दाइश और उससे वाबस्ता कल अदम TTP जैसी तंजीमें जो की अब नेटो हथियारों से लैस है शोरिश इलाकों और पड़ोसी ममालिक के लिए एक संगीन खतरा है। वाज़ह रहे कि कल अदम TTP की जानिब से पाकिस्तान के अंदर तवील अरसे से हमले जारी हैं, जबकि हाल ही में अस्करियत पसंद गिरोह दाइश ने भी पाकिस्तान के अंदर हमले किए हैं। रवा बरस जुलाई में JUIF के कन्वेंशन पर हमला किया गया जिसमें 40 अफराद जान से हाथ धो बैठे और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। ताहम अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने इन दावों को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आपको बता दें कि अक्वामे मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने से कबल पेश हुई रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि नेटो के वो हथियार जो कि आम तौर पर साबिक अफगान नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को फराहम किए गए थे अब तालिबान और अलकायदा से वाबस्ता गिरोहों मसलन कलदम TTP और मशरकी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक को मुंतकिल किए जा रहे हैं। एक और खबर के मुताबिक इतवार को ऑस्ट्रेलिया के शुमाल में एक जजीरे पर जंगी मशकों के दौरान एक अमरीकी जहाज गिर कर तबाह हो गया। इस वाकये में कम से कम 3 अमरीकी फौजी हलाक और 23 दीगर जख्मी हो गए। वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब में अगर बच्चे बगैर किसी वजह के स्कूल से काफी दिन गैर हाजिर रहे तो इस पर वालदैन को जेल भी हो सकती है। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुल्क में मुतारिफ कराए गए चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून के तहत मुसलसल 20 दिन तक बगैर मुतला किए गैर हाजिर होने पर स्कूल इंतजामिया बच्चों के वालदैन के खिलाफ हुकूमत को कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती है। अगर तहकीकात में ये बात साबित हो गई कि वालदैन ने जानबूझकर बच्चों को तालीम के हक से महरूम रखा या इसमें गफलत बरती तो कानून के तहत वालदैन को जेल में सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। ताहम यह सजा अदालत के जरिए ही दी जा सकेगी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में सफेद फार्म शख्स ने नस्ल की बुनियाद पर अंधाधुंध फायरिंग करके 3 सिया फार्म अफराद को हलाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। यह वाकया फ्लोरिडा के इलाके जैक्सनवेल में वाकई डॉलर जनरल स्टोर में हफ्ते की शाम पेश आया। पुलिस का कहना है कि वाकया नस्ली मुनाफरत पर मबनी है क्योंकि फायरिंग करने वाले शख्स ने कहा था कि वो सियाफामों को निशाना बनाना चाहता है।
रोमानिया के शहर क्रेविडिया में हफ्ते को एक गैस स्टेशन पर होने वाले धमाकों में जख्मी होने वालों की तादाद 57 तक पहुंच गई। रोमानिया के हंगामी हालात के इंस्पेक्टर जनरल ने इतवार को यह इत्तला दी। इससे कबल रोमानिया की वजारत सेहत ने कहा था कि उन धमाकों में एक शख्स हलाक और 46 जख्मी हुए हैं। नामा में शायद मजामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.avadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।